चवर शतर तखत दे मालक तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सतसंगत जी सरबंस दानी अमृत के दाते तन तन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप सिख पंथ की महान शख्सियत पंथ रतन गुरमत विद्या मारतन सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जिहड़े गुरु खालसा पंथ के उगे नामावर विद्वान होए ने उन्हां वल्लों प्रारंभ किए सालाना गुरमत समागमां दे विच हाजरियां भर रहे हैं। जिवें गुरबाणी सानूं बहुत कुछ सिखाउंदी है उवें साडा जिहड़ा इतिहास है वह भी सानूं बहुत कुछ समझाउंदा है। मैं कुछ घटनावां दा उल्लेख करना चाहांगा। मेरे तो पहला मेरे बहुत ही सत्कारयोग मानयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी गौरे मस्कीन जथेदार तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब आप जी नूं मुखातब होके गए ने। असी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी पढ़ीए तो सतगुरां ने अपनी बाणी दे विच भाणे की गल बहुत की है। वाहेगुरु के भाणे की गल वाहेगुरु की रजा की गल बहुत की। तेरा किया मिठा लागे ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के बोल ने। उन्होंने अपने उपदेशों के विच अपनी बाणी के विच सिख संगत नूं इहो ही समझाया कि वाहेगुरु का जिहड़ा हुक्म है वह सर्वप्रथम है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने भी सिख नूं हुक्मी बंदा बनन दी हदायत की है उपदेश किया है सिक्ख्या दिती है कि ऐ सिख तेरा मकसद जिहड़ा है वह हुक्मी बंदा बनना है हुक्म दे विच चलन वाला बंदा बनना। किस दे हुक्म दे विच करतार दे हुक्म दे विच वाहिगुरु दे हुक्म दे विच। जदों धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत हो गई सिख संगतां दे विच उदासीनता की लहर फैलन लगी तां मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की अगवाई दे विच उस वेले दे सिख पंथ दे महान विद्वान भाई गुरदास जी ब्रह्म ज्ञानी पुरख बाबा बुढ़ा जी ने संगतां नूं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के उपदेशों तो जाणू करवाया। सिख संगतां नूं समझाया कि किसी ने उदासीन नहीं होना किसी ने निराशावादी नहीं बनना है किसी ने डोलना नहीं है। मरदा वो होंदा संसार दे विच जिहड़ा सारी जिंदगी अपने ते अपने परिवार लई बतीत करके तुर जांदा है पापां दे विच नशियां दे विच वो मरदा होंदा। बंदगी करन वाले भगती करन वाले सेवा सिमरन करन वाले पर उपकार कमाउण वाले मरदे नहीं हुंदे। भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी के महान उपदेशों के नाल संगत दे विच एक नवा जोश आया जिंदगी जीउण दी उमंग पैदा हुई
कि जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना की, मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां धारण कीतियां, फौज खड़ी की, तां सब तो वध योगदान संगत ने गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की फौज लई अपना दिता। क्योंकि उदासीनता की लहर के विचों संगत उभर चुकी सी, बाहर आ चुकी सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का जीवन पढ़िए, उन्होंने भी पंज भौतक तन दे विच विचरदियां सिख संगतां नूं इहो उपदेश दिता कि भय काहू को देत नह नह भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। ओ ज्ञानवान पुरख है जिहड़ा ना किसी नूं भय दिंदा ना किसी का भय लैंदा। जदों धन गुरु अर्जन दे माफ करना, जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत होई तां उस वक्त संगत ने सतगुरां दे इन्हां ही लफ्ज़ां नूं बोलां नूं चेते रखिया। भाई नंद लाल जी वर्गे महान विद्वानां ने चेते करवाया, घबराउणा नहीं है, डरना नहीं है। ज्ञानी वो है, सिख वो है जिहड़ा ना किसी का भय लैंदा ते ना किसी नूं भय दिंदा। ते जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह कह के गए ने कि ज्ञानी वो है, सिख वो है, भगत वो है जिहड़ा किसी का भय नहीं लैंदा ना किसी नूं भय दिंदा, ते तुसी हकूमत का भय जिहड़ा है वो किवें धारण कर सकते हो। नतीजा निकलिया कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की अगवाई दे विच खालसा पंथ ने 14 युद्ध लड़े। मैं दो घटनावां का जिक्र इस करके किया कि इतिहास अपने आप को दोहराउंदा है। जदों 1984 दे विच श्री अकाल तख्त साहिब श्री हरिमंदर साहिब सहित कई सिख इतिहासक स्थानां दे उत्ते हल्ला होया, उस तो बाद नवंबर 84 दे विच सिख नस्ल कुशी होई, ता हिंदुस्तान दे विच भारत दे विच वसन वाली सिख संगत दे मन दे विच भी एक भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया कि पता नहीं हुण आने वाले समय च हालात किस तरह के बनने। कि दो वड्डियां घटनावां हो गईयां ना, एक जून 1984 दे विच वड्डी घटना हो गई ते एक नवंबर 1984 दे विच वड्डी घटना हो गई। तो अज जिस महान विद्वान नूं आपां याद कर रहे हैं इस करके भी महान है ये विद्वान, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान भर दे विच, हिंदुस्तान भर दे शहरां दे विच स्टेजां तो जाके पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन ने सिख संगतां नूं ऐसा उपदेश दिता, ऐसी सिक्ख्या दित्ती, मानो गुरु साहिब के बचन जड़े सी दोबारा फिर चेते कराए कि सिख संगत जड़ी सी वो नरास्ता चो निकल आए। और श्री अकाल तख्त साहब जी की सरप्रस्ती हेठ जदों नगर कीर्तना की शुरुआत हुई तो पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वर्गे महापुरखों की जगाई संगत लखां की तादाद विच उन्हां नगर कीर्तना दे विच शामिल होण वास्ते सड़कां ते उतरे आई। जिवें हकूमत जहांगीर दी सी, उसने सोचिया सी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद करता हुण सिख उठना ही पाउणगे। औरंगजेब दी हकूमत ने सोचिया कि असी गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद करता जिहड़े समस्त हिंदुआं दे गुरु ने, ये कौम हुण उठ नहीं सकेगी। तां उस वक्त भी उस वेले दे हुक्मरानां दा भरम निकल गया जदों ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वर्गे महान विद्वानां दी जगाई हुई संगत नगर कीर्तना दे दौरान लखां दी तादाद विच सड़कां दे उत्ते उतरे आई। ये खत्म नहीं हो सकदे सिख, ये मुक नहीं सकदे सिख। जिवें जिवें जदों 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 जिवें जिवें इस तरह के हौलनाक मंजर वरतदे ने
ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੁਕਮ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।